में कुछ एलिगेशंस जो है वो पुलिस पे लगाए गए कि पुलिस ने जो है कार्रवाई के दौरान जो है कुछ अभद्रता की, कुछ महिलाओं से बदतमीजी की, इस तरह की कुछ शिकायतें पुलिस को प्राप्त हुई है। तो पुलिस जो है इसमें पहले से ही जो है बहुत फेयर है, ट्रांसपेरेंट है। पुलिस ने सारी जो अपनी प्रक्रिया है एक कानून के तहत जो है पूरी इन कैमरा पूरी प्रक्रिया हुई है पुलिस की सारी, और जो है इसमें इस तरह पुलिस के सामने जो है कोई ऐसा विथ एविडेंस कोई ऐसा तथ्य अभी सामने नहीं आया, अन्यथा इसमें जो है एक मैजिस्ट्रियल जांच भी कुमाऊं कमिश्नर द्वारा की जा रही है। अगर कोई महिला को और को किसी को भी ऐसा अगर प्रतीत होता है कि उसके साथ जो है जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जाती हुई, तो अपना वो इन्वेस्टिगेशन कभी भी जो है कुमाऊं कमिश्नर को दे सकता है, और हम लोग जो है कानूनी प्रक्रिया अलग है, विभागीय कार्रवाई भी अलग होती है। तो अगर हमारे को ऐसा पता चलता है कि पुलिस को एक जो न्याय के तहत जो कार्रवाई करनी चाहिए उससे बढ़कर अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई की है तो पुलिस पे हमेशा कार्रवाई होती है, अपना जो अधिकार क्षेत्र छोड़कर ज्यादा की कार्रवाई की है। बाकी पुलिस ने जो है जो आत्मसमर्पण में या लॉ ऑर्डर स्थापित करने के लिए जो कुछ कार्रवाई करी वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस ने कार्रवाई करी है उसमें, और पुलिस हमेशा जो है उत्तराखंड पुलिस जो है महिलाओं का सम्मान करती है, कानून का सम्मान करती है, और देश में जानी जाती है उत्तराखंड पुलिस इसके लिए। मित्र पुलिस हम लोग हमारे यहाँ तमाम इतने बड़े आयोजन होते हैं तो हमेशा यहाँ महिलाओं का हम लोग सम्मान करते हैं। तो अभी तक तो पुलिस के सामने कोई बात ऐसी आई नहीं, लेकिन हाँ कुछ एलिगेशन या कुछ मीडिया पोस्ट जरूर, वो सोशल मीडिया पोस्ट जरूर हुए है जिसका जो उत्तराखंड पुलिस खंडन करती है कि इस तरह की कोई बात महिलाओं से अभद्रता वाली हुई नहीं है जिसमें।